पन्ना के ग्राम सुनहरा में पूर्व सरपंच ने चुनाव हारने से आक्रोशित होकर लगातार लोगों के साथ मारपीट और फायरिंग की, जिससे गांव में दहशत का माहौल फैल गया। बताने के 26 जून की रात कुलदीप प्रजापति और उसके छोटे भाई के साथ मारपीट के बाद कई अन्य ग्रामीणों ने भी बंदूक दिखाने के साथ गोली चलाने की शिकायत की है। वहीं ग्राम सुनहरा के सैकड़ों लोग ट्रैक्टरों से जिला मुख्यालय पन्ना पहुंचे और कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप, कलेक्टर संजय कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा से आरोपी की गिरफ्तारी और ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की। हमारे भैया लैंचा गए थे, भैया लैंचा से लौटते वक्त रामकिशोर बाबा जी ने उसको छेंका है और उनको लाठी ऊपर उभारी है मारने के लिए, तो भैया हमारे वहां से जान बचाकर भागे हैं। इसके बाद उन्होंने उनके घर उनकी शिकायत करने गए हैं तो उनके घर वालों ने रामकिशोर बाबा जी ने गोलियों से फायरिंग कर दी। 26 तारीख को वहाँ पे गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने, उनके वाद विवाद हो गया और उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा कि उसने फरियादी पक्ष के जानलेवा हमला किया है, तो इस मामले में प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया गया है। अजयगढ़ थाने में